दोस्तों, महान भूमि भारत पर बहुत सारे मुनि ऋषियों का जन्म हुआ है। आज हम ऐसे ही एक साधु के बारे में जानेंगे जो मात्र 11 वर्ष में घर छोड़कर तपस्या के लिए निकल पड़े थे, जिसके मान्यता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है। उनका चमत्कारी शक्तियों देखकर लोग उन्हें हनुमान जी का एक अवतार मानते हैं। चलिए आज उन साधु को एक चमत्कार घटना जान लेते हैं। एक बार की बात है, ये शक्तिशाली साधु ने हल्द्वानी जाने के लिए दूरपाल ट्रेन का फर्स्ट क्लास डिब्बो में चढ़ गई। वो बिना टिकट में वहाँ बैठ गई। ट्रेन चलते वक्त मध्य रास्ते में टीटी आया टिकट चेक करने के लिए। जब टीटी ने साधु के पास गया और बोला कि टिकट दिखाओ, तब बाबा ने उनका मना कर दिया और बोला कि मेरे पास टिकट नहीं है, मैं तो एक साधु हूँ और साधु के लिए तो ट्रेन में टिकट नहीं लगता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि भारतीय रेल शुरू होने के समय से ये भारत का एक परंपरा है कि सभी साधु संत ने ट्रेन पर बिना टिकट सफर कर सकते हैं। फिर भी साधु के बात सुनकर टीटी ने बोला, देखिए साधु बाबा, आपके पास टिकट नहीं है, इसीलिए आप ट्रेन से उतर जाइए। एक तो आपके पास टिकट नहीं है और आप फर्स्ट क्लास में चढ़ गई। ये सब बोलकर टीटी ने ट्रेन रुकवा के साधु को ट्रेन से बाहर कर दिया। तब साधु ने उस स्थान में बैठ गई। इसके थोड़ी देर बाद सिग्नल हुआ, ड्राइवर हॉर्न मारी ट्रेन फिर से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन ट्रेन वहां से एक इंच भी नहीं हटी। तब सब आश्चर्यचकित हो गई। टीटी के मन में सवाल आया कि क्या ये सब साधु बाबा को उत्तर देने के लिए तो नहीं हुआ है। टीटी गई ड्राइवर के पास सब कुछ बताने के लिए। ड्राइवर सब सुनकर शक किया इस बात पे। दोनों साधु बाबा को ढूंढने निकल गई। जब वो दोनों साधु बाबा के पास पहुंचा, दोनों ने साधु के पास क्षमा मांगी और मिनती की फिर से साधु बाबा को ट्रेन पर चढ़ने के लिए। तब साधु ने कहा, मैं इस ट्रेन पर चढ़ सकती हूँ, पर मेरा दो शर्त है। पहला, आप कभी भी कोई साधु को अपमान नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक स्टेशन बनाने होगी जहाँ इतने समय में बैठी थी। रेल दफ्तर ये दोनों शर्त मान लिया। तब जाके साधु ने ट्रेन पर फिर से चढ़ी और ड्राइवर इंजन चालू करते ही ट्रेन चलने लगी। दोस्तों, इस महान क्षमताशाली साधु बाबा और कोई नहीं, हमारे सबका प्रिय नीम करली बाबा है। एक्चुअली नीम करली बाबा के असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा है। बाबा को जहाँ पर ट्रेन से उतरा गया था वहाँ का नाम नीम करली थी। इस नाम के अनुसार ही बाबा के नाम नीम करली बाबा हुआ है। नीम करली बाबा की और भी बहुत सारी कहानी है। वो जहाँ जाती थी वहाँ लोग का दुख खत्म कर देती थी। 1961 पे बाबा नीम करली नैनीताल पे आया था। वहाँ पर बाबा ने हनुमान मंदिर का प्रतिष्ठा की थी। एक बार उस मंदिर पे घी की कमी पड़ती है, तब बाबा की कहने से एक भक्त ने मंदिर के बगल में बहने वाली नदी से एक बाल्टी पानी लाता है। कुछ समय के बाद उस पानी घी में बदल जाती है। ये देखकर सबकी बोली बंद हो गई थी। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो जाओगी कि एक बार एप्पल की फाउंडर स्टीव जॉब्स अपने बिजनेस प्रॉब्लम को लेकर बाबा के पास मिलने आई थी। नीम करली बाबा से मिलने के बाद वो अमेरिका लौट गए और एप्पल की स्थापना की थी। फेसबुक की सीईओ मार्क जुगरबर्ग भी बाबा से मिली। बाबा की आश्रम उत्तराखंड की नैनीताल पर है, जहाँ पे आम आदमी की तरह बहुत सेलिब्रिटी भी आती है। नीम करली बाबा की चमत्कार के वजह से सिर्फ भारतीय नहीं बहुत विदेशी भक्त भी बाबा के आश्रम पर आते हैं। लोगों का कहना है कि नीम करली बाबा के आश्रम में आने वाले सभी को चाहत पूर्ण होती है, इसलिए आप कम से कम एक बार इस आश्रम में जरूर आइए। अपने चमत्कारी शक्तियों द्वारा बहुत लोगों की मदद करके धर्म के प्रचार करके बाबा नीम करली 1973 पर वृंदावन पर आखिरी सांस त्याग की थी। दोस्तों, कमेंट में नीम करली बाबा की जय लिखी है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पर लाता हूँ।